निहार। हिंदुस्तान दे नहीं बल्कि दुनिया दे सत्कार योग लीडर लोक नायक हिंदुस्तान दे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी साडे देश के कैबिनेट दे मंत्री बीबार सिमरत कौर जी साडे देश के स्टेट मिनिस्टर सेंटर में साडे पार्टी के सीनियर लीडर ब्रह्मपुरा जी ढींसा साहब भूंडर साहब चंदू माजरा जी भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के प्रधान मलक जी हरियाणा स्टेट के प्रेजिडेंट साहब ते होर उगे लीडर साहबान ते मेरे सामने विराजमान राजस्थान हरियाणा पंजाब ते कोने कोने ते आए किसान मजदूर भरावो अज का दिन जिहड़ा है एक सुनहरी दिन है एक इतिहासिक दिन है और असी इन्हां स्टेटां दे किसानां मजदूरां वल्लों धन्नवाद करन वास्ते शुक्रिया अदा करन वास्ते मोदी साहब दा इत्थे इकट्ठे होए आपां रैलियां करदे आं ओ पोलीटिकल रैलियां होंदियां ए रैली जिहड़ी है ए पोलीटिकल नालों ज्यादा अहमियत रखण वाली रैली है इस रैली का यही मतलब है कि प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करिए जिन्ना ने बहुत वड्डा फैसला लिया ते किसानां दियां फसलां दी कीमत में इन्ना वादा किया गया कि अज जिहड़ी कांग्रेस सरकार वेले औसत 50 रुपये झोने दे वादे सन कदे वादे भी नहीं सन कदे 10 रुपये वादे सन अज एक इन्हां ने वड्डी छलांग लाई ते 200 रुपया क्विंटल झोने का भाव वधाया इस भाव नाल सिर्फ किसान ते मजदूर का फायदा नहीं होना आज के भरा साडे हन उन्हां नूं भी 100 करोड़ तो वध पैसे मिलणगे मार्केट कमेटियां मार्केटिंग बोर्ड उन्हां नूं भी 200 करोड़ रुपए का फायदा होएगा और इहदे सारा फायदा जो तुहानूं होना है इस फसल का 3600 करोड़ रुपया तां झोने च ही हो जाना है थोनू 1000 रुपया 1000 करोड़ चो मक्की चो जां खरीफ दियां होर फसलां चो होना है और इहदे नाल जिहड़ा आपां नूं फिक्र सी कि किसानी मुनाफा पक्ष पतंदा होवे इस फैसले ने किसानी मंदा किसानी जो प्रोफेशन है जो कारोबार है उन्हूं मुनाफा बख्श धंधा बनाने बहुत वड्डा कदम चुक्या
सिर्फ यही नहीं कि पैसे वध मिले हैं, एदा वड्डा फायदा यह होया कि किसान बड़ी निराशा सी, डिप्रेशन नाल मौतां हुंदियां सन। मोदी साहब के फैसले के कारण उन्हां दी निराशा जिहड़ी है वो आशा च बदल गई और होर उम्मीद करनगे। अगे सारे कोशिश करते सन, बच्चे भी अगले किसानों के करते सन कि कोई होर किता कर लो, किसानी नहीं होनी। अज वो नौजवान बच्चे फिर किसानी वल नूं मुड़गे। इसलिए मैं अपने वालों खास करके दिल दियां गहराइयां तो मोदी साहब का लख लख आदया, करोड़ करोड़ अरब अरब धन्यवाद करना। दूजा मैं भी कहना चाहना, बैठ जाओ भाई, की गल है कि मोदी साहब ने होर वड्डे जो फैसले ले है, मैं उन्होंने डराना नहीं चाहता, लेकिन एक वड्डा फैसला यह किया कि इन्होंने अपने देश का सिर उच्चा किया। आज सारी दुनिया च जिहड़े हिंदुस्तान के मित्र मुल्क सन उस विच वाधा हो रहा है, ते सारी दुनिया ये चाहती है, सारे मुल्क चाहते हैं कि हिंदुस्तान नाल साडी मित्रता हो। बड़े फकर नाल कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान आर्थिक तौर पर ते डिफेंस के तौर पर आज दुनिया में सुपर पावर बन गई है। अजे सिर्फ चार साल हुए हैं, चार साल कोई देश के इतिहास में गवर्नमेंट वास्ते कोई बड़ा समा नहीं हुंदा। सिर्फ चार साल जी एक करिश्मा जो विखाया है, एक कदे कोई सोच नहीं सकता सी, आपा भी सोच नहीं सकते। होर बहुत सारिया स्कीम, जनधन स्कीम जेडे इन्होंने मुफ्त गैस चले दिते है सारे हिंदुस्तान नू दे पिंडा नू बिजली नाल जोड़ दिता है। 60,000 करोड़ सड़क बनाईया, यह तो एक जादूगरी है। मैं तो कहना जिन्ना पिछे 60-70 साल नहीं होया ते इन्ना चार साल करता है, यह परमात्मा की शक्ति दिती है। मोदी साहब का दिल इरादा है कि देश इन्ना उच्चा ले गए। इसलिए अखीर विच मैं परमात्मा अगे, वाहिगुरु अगे, अल्लाह अगे ही दुआ करदा, अरदास करदा कि मोदी साहब नू चंगी सेहत, लंबी उम्र ते लंबा समा प्राइम मिनिस्टर रहने ते ए साडी बेनती मन लै। मैं बहुता समा नहीं लेना चाहता, इसलिए मोदी जी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई गर्मी करके मेरा घर थोड़े गले भी सुखे पे हैं, जकारा बनाओ, पता लगे मोदी साहब ने पंजाब चाहे। बोले सो निहाल।